जानने वाले हैं कि आप प्लेलिस्ट में टीम सेटिंग कौन सी करिए जिससे आपका व्यू थोड़ा बढ़ जाए। उसके लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे जा करके चैनल स्टूडियो पे जा करके प्लेलिस्ट को ओपन करिए। यहाँ से न्यू प्लेलिस्ट कीजिए और अगर आपको नहीं आता तो एडिट में जा करके उसका नाम रीसेंट अपलोड प्लेलिस्ट कर लीजिए। आपसे प्लेलिस्ट का जब नाम वो मांगेगा तो उसको न्यू रीसेंट अपलोड वीडियो कर दीजिए। यहाँ से जब क्लिक करिएगा तो आपसे नाम पूछेगा, उसको सेव कर दीजिएगा। अब जब प्लेलिस्ट बन गई तो आपको रीसेंट अपलोड वीडियो उसमें डालनी है। तो आप चैनल पे चले जाइए, चैनल पे वहाँ पर देखिए आपके अपलोडेड वीडियो आते हैं। यहाँ से इसको राइट क्लिक कीजिए और सेव टू प्लेलिस्ट कीजिए। अब प्लेलिस्ट में रीसेंट अपलोडेड वीडियो में आप क्लिक करिएगा तो आपकी वो वाली वीडियो आपकी रीसेंट अपलोडेड प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आइए, देखिए आपके ये आ चुका होगा। ये देखिए आपकी वीडियो आ गई। इसी तरह से आप और भी उसमें सेव कर सकते हैं चैनल पे जाके। अब यहाँ पे मान लीजिए सेकंड वाला हमें यहाँ करना है तो ये सेव टू प्लेलिस्ट किया आपने, रीसेंट अपलोड वीडियो किया तो आपकी ये दूसरी वीडियो भी। इस तरह से आप 8-10 वीडियो रीसेंट अपलोड वीडियो में सेव कर सकते हैं जिससे लोगों को पता रहे कि आपका रीसेंट अपलोडेड वीडियो कहाँ पे है। वैसे तो अपलोडेड वीडियो आ ही रहा है आपका, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसेंटली अपलोडेड वीडियो अगर आपके जो बेस्ट है वो उसमें डाल दीजिएगा तो आपको व्यूज़ बढ़ जाएंगे। दूसरा है कि आप जब किसी प्लेलिस्ट में जाते हैं, मान लीजिए हम प्लेलिस्ट में जाते हैं शो मोर करा, यहाँ से हम जाते हैं YouTube पॉलिसी पे। YouTube पॉलिसी प्लेलिस्ट पे गए, यहाँ पे देखिए हमने जितने पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो है वो बना रखे हैं जिसको आप देख सकते हैं। उसमें बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उन वीडियो के हेडिंग्स सारे जितने टाइटल हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है कि प्ले लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या डालना, तो वहाँ पर एडिट दबाइए और इन सारी वीडियोज़ के टाइटल जो है इसमें डाल दीजिए, तो इससे आपके वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाएगी। तीसरा आपका हैगा कि देखिए हमने सारे वीडियोज़ की ये पूरा यहाँ पर टाइटल डाली और यहाँ से इसको जब करिएगा आप तो देखिए यहाँ पर लिखने को मिलेगा, यहाँ से सेव कर दीजिएगा और यहाँ से आप अपने प्लेलिस्ट की टाइटल भी सेव कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो थर्ड है आपका कि आप ये यहाँ से शफल कर सकते हैं अपनी वीडियोस को कि किस फॉर्म में वो आए, तो इस तरह से आप ये शफलिंग भी कर सकते हैं वीडियो की। और बोनस टिप है आपके लिए कि जब आप यहाँ पर 3 डॉट पे दबाते हैं, जब आप 3 डॉट पे दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐड वीडियो आ रहा है, ऐड ऑल 2 आ रहा है, कोलैबोरेट कर सकते हैं आप लोगों से, प्लेलिस्ट सेटिंग कर सकते हैं और डिलीट प्लेलिस्ट कर सकते हैं। ऐड ऑल 2 करें हम लोग तो ये देखिए ये सारा जितनी प्लेलिस्ट है सब आप ऐड कर सकते हैं, तो हम लोगों को अभी ये करना नहीं है। यहाँ पे आए जब आप तो यहाँ पे प्लेलिस्ट सेटिंग मिल गए। अब प्लेलिस्ट सेटिंग में देखिए आपका अलाउ एम्बेडिंग है, मतलब एक वीडियो के अंदर दूसरा वीडियो भी हो सकता है और प्लेलिस्ट में आप एम्बेड कर ही रहे वीडियो को। एड न्यू वीडियो टू टॉप ऑफ द प्लेलिस्ट, जो आपने अगर कह दीजिएगा कि जो न्यू वीडियो आए वो टॉप में आए तो वो टॉप में आ जाएगी। सेट एज ऑफिशियल सीरीज फॉर द प्लेलिस्ट, यहाँ पर ये आप इसको ऑन कर दीजिए तो ये ऑफिशियल वीडियोज आपके हो जाएंगे। अब एक यहाँ पे भी सेटिंग है कि सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट आपका कैसे कर सकते हैं, आपका न्यूएस्ट कर सकते हैं, मतलब जो सबसे पहले आया वो आए करें, या तो यहाँ से सेटिंग कर दे न्यू के लिए, यहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट सेटिंग में जाकर, या तो आप यहाँ से सेटिंग न्यू कर दें प्लेलिस्ट न्यू, या ऑफिशियल कर दें और डन कर दें।
तो न्यूएस्ट जो वीडियो है वो आपका यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा, या आप शॉर्ट करके यहाँ पर ओल्डेस्ट कर सकते हैं कि सबसे पुराना आपका सबसे ऊपर आ जाए, और या आप यहाँ पर शॉर्ट करके मोस्ट पॉपुलर ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मोस्ट पॉपुलर आप लाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें आपको व्यूज़ ज़्यादा मिले हैं तो लोगों पे इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो इतनी तरह की प्लेलिस्ट में सेटिंग होती है, आप इसको करिए जिससे प्लेलिस्ट आपकी रैंक करे और व्यूज़ बढ़े। जब रैंक्ड वीडियो, जब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो आपकी हर प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर होगा तो लोगों को उसके ऊपर उसका इम्प्रेशन अच्छा होगा और आप का वीडियो ज़्यादा अच्छे से रैंक होगा। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन। Go to the community and answer on poll, and please subscribe my channel if you like this information and want to get more information. अगर आगे भी आपको information चाहिए तो please मेरे channel को subscribe करिए। Please comment जरूर करिए और बताइए कि कैसा video है। Thank you.